फ्रेंड्स वेलकम टू प्रकाश टैरो कार्ड रीडर. थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू फ्रेंड्स. साल 2023 भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी विराट कोहली के लिए कैसा रहेगा? उनका परफॉर्मेंस वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट और टेस्ट मैचेस में कैसा रहेगा? कितनी सेंचुरीज मार सकते हैं वो साल 2023 में? इसके ऊपर है ये रीडिंग. इसके बाद रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या. तो विराट कोहली का ये जो साल है ये मिक्स रहेगा. इसमें अच्छी सिचुएशन भी आएगी और ख़राब सिचुएशन भी आएगी. जैसे कि ये लास्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये पीरियड अप्रैल टू सितंबर ये अच्छा रहेगा. स्पेशली अप्रैल टू जून ये पीरियड रहेगा इसका आईपीएल का, और ये पीरियड इनका बहुत अच्छा है. इसका मतलब आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन अगेन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आएगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा भी नहीं होगा. फिर किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे विराट कोहली को साल 2023 में, ये देखिए. इस तरह का कार्ड है, अचानक से लैक ऑफ फॉर्म की कंटिन्यूस 5-6 मैचेस में फेल हो रहे हैं. इस तरह के सिचुएशन आ सकती है कि वापस से जो लोग बोला करते थे कोहली को टीम से हटाओ हटाओ, वो आवाज़ें फिर से चालू हो जाएंगी. इस तरह की सिचुएशन आ सकती है. अब इस सिचुएशन से कैसे निपट सकते हैं विराट कोहली, ये देखिए. स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ये है स्ट्रॉन्ग विल पावर का कार्ड. अपने आप को अप्लाई करना, स्ट्रॉन्ग विल पावर रख के कि नहीं आज तो मुझे सेंचुरी मारनी है, मैं यहाँ से तब तक जाना ही नहीं है मैंने पिच के ऊपर से जब तक सेंचुरी नहीं मारूंगा. अपने आप को फुल ऑन अप्लाई करना, स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो वो ये सिचुएशन से निपट सकते हैं. अब कितनी सेंचुरीज मार सकते हैं विराट कोहली, तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि कम से कम 5 सेंचुरीज मारेंगे क्या, तो नहीं 5 सेंचुरीज तो नहीं मारते हो सकते, लेकिन हाँ 2 से 3 सेंचुरीज कंफर्म है. मेरी जो पिछली प्रेडिक्शन थी साल 2022 की वो भी बराबर निकली. 2 सेंचुरीज विराट कोहली ने मार दी साल 2022 में. साल 2023 के लिए मेरी प्रेडिक्शन है 3 सेंचुरीज की. विराट कोहली 3 सेंचुरीज मारेंगे. अब उनका जो परफॉर्मेंस है वनडे क्रिकेट में वो ऊपर नीचे चलेगा. जहाँ तक T20 क्रिकेट का सवाल है उसमें काफ़ी गुंजाइश है, अच्छा करते हुए दिखते हैं. टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा परेशानी दिखती है इनकी. टेस्ट क्रिकेट में जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनका लेवल है, वो लेवल के हिसाब से ये नहीं खेल पाएंगे. सो ऑल इन ऑल हैपनिंग ईयर फॉर विराट कोहली, उतार चढ़ाव वाला ईयर फॉर विराट कोहली. ये रीडिंग है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा के लिए. अब देखिए इनकी रीडिंग में मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत ज़्यादा है. ये देखिए साल 2023 की रीडिंग में 1, 2, 3, 4 कार्ड तो यही आ गए. तो इनका ये जो साल है ये डेस्टिनी वाला साल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता. हाँ ये चाहे तो अपने आप को अप्लाई करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग विल पावर से अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा इनके लिए. इनको सबसे ज़्यादा परेशानी आने वाली है इंजुरीज से. इंजुरीज काफ़ी होंगे इनको,
उनको उसी से ज़्यादा परेशानी आने वाली है। इनका फर्स्ट हाफ जून तक का पीरियड तो बहुत अच्छा है, आईपीएल में भी इनकी टीम अच्छा करेगी, क्योंकि ये जो पीरियड है अप्रैल टू जून ये आईपीएल वाला है और उसके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। सो इनकी टीम मुंबई इंडियंस अच्छा करेगी लगता है, क्योंकि ये उसकी कप्तानी करते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए ये पीरियड मून कार्ड और डेथ कार्ड, सो लुक्स लाइक सेकेंड हाफ ऑफ 2023 टेरिबल फॉर रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में अच्छा करते हुए दिख रहा है, टेस्ट मैचेस में अच्छा करते हुए दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं अगर ये वनडे क्रिकेट से संन्यास ले ले। रोहित शर्मा हो सकता है कि वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें और केवल T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान दे, हाई चांसेस है। अब कितनी सेंचुरीज मार सकते हैं, इंटरनेशनल सेंचुरीज, मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल सेंचुरीज साल 2023 में दो, रोहित शर्मा एट द मोस्ट साल 2023 में दो इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाएंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सीन कार्ड्स। ऐसा हो सकता है कि वो सेंचुरी के करीब पहुंच के आउट हो जाए, ऐसा दो तीन बार हो सकता है, बट कम से कम दो सेंचुरीज कंफर्म है इंटरनेशनल सेंचुरीज, फिर वो वनडे में हो या टेस्ट में सबका मिला के है ये। सो रोहित शर्मा के लिए फर्स्ट हाफ वेरी गुड, सेकंड हाफ वेरी बैड। T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट गुड, वनडे क्रिकेट से हो सकता है संन्यास ले लें। दैट्स इट फॉर नाउ। अब देखेंगे हार्दिक पंड्या के लिए कार्ड्स। अब बारी आती है साल 2023 कैसा रहेगा हार्दिक पंड्या का। ये रीडिंग ओवरऑल देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि साल 2023 जो है वो हार्दिक पंड्या का ही रहेगा। ये पीरियड देख लीजिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का बहुत अच्छा नहीं है सेकंड हाफ ऑफ 2023, लेकिन हार्दिक पंड्या का बहुत अच्छा है। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च कुछ खास नहीं, तो इस पीरियड में जो भी चैलेंजेस रहेंगे उनके सामने क्रिकेटिंग टर्म्स में, उसमें बहुत अच्छा एक्सपेक्ट ना करें इनसे। लेकिन उसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर ये पीरियड इनका बहुत ही बेहतरीन पीरियड रहेगा, इसमें ये बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे। ये और ये जिस टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो आईपीएल में हो या इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया दोनों जगह अच्छा करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी हार्दिक पंड्या को मिल जाए, कप्तानी या वाइस कप्तानी, यहाँ पे लुकिंग एट द कार्ड्स आई एम सेइंग। अब इनके सामने मेजर चैलेंजेस रहेंगे टीम, ऐसे टीम कैसे यूटिलाइज करना और सेलिब्रेशन से दूर टीम का जो फोकस है वो कैसे रहे, वो मेजर चैलेंजेस रहेंगे और कई सारे रहेंगे। बट यस, ही वुड बी एबल टू गो थ्रू ऑल द चैलेंजेस, यानी वो सब निपट लेंगे क्योंकि ये साल उनका है। फिर T20 क्रिकेट में उनका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन वनडे क्रिकेट में यकीनन अच्छा करेंगे एंड टेस्ट क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं इनकी फिर से एक शुरुआत हो सकती है। हार्दिक पंड्या की शुरुआत टेस्ट क्रिकेट में भी फिर से हो सकती है।
अब कितनी इंटरनेशनल सेंचुरीज बना सकते हैं हार्दिक पंड्या साल 2023 में? 5 सेंचुरीज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, मिनिमम 5। 5 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ कम से कम 5 इंटरनेशनल सेंचुरीज हार्दिक पंड्या साल 2023 में लगा सकते हैं। इंटरनेशनल सेंचुरीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IPL। सो ये रही हार्दिक पंड्या जी की रीडिंग। अब देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ के कार्ड्स क्या बोलते हैं। अब बारी आती है भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के रीडिंग की। तो उनका देखिए जनवरी से मार्च नॉट एट ऑल गुड पीरियड, डिसअपॉइंटिंग। सो जनवरी से मार्च के दरमियान जो भी सीरीजेस होंगी उसमें रिजल्ट शायद इंडिया के फेवर में ना आए, क्योंकि उनका ये पीरियड उनके कोचिंग करियर के हिसाब से अच्छा नहीं है, डिसअपॉइंटिंग। फिर अप्रैल टू जून एंड जुलाई टू सितंबर अगेन अच्छा पीरियड। फिर ये पीरियड जो है ये एवरेज पीरियड कहूँगा इसको मैं, अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि बहुत अच्छा करते हुए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आने वाले, लेकिन बहुत बुरे रिजल्ट्स भी नहीं आने वाले इस पीरियड में। फिर वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते हुए दिखता है, बट टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं डाउन जाने वाला है साल 2023 में। सो ऑल इन ऑल उतार चढ़ाव वाला ईयर 2023 रहेगा राहुल द्रविड़ के लिए। और ये सबसे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर वनडे वर्ल्ड कप होता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, इंडिया की टीम अच्छा तो करते हुए दिखती है उसमें, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं नज़र आया कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। हार्दिक पंड्या के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं सेकेंड हाफ ऑफ 2023 के लिए। अगर उन्हें वनडे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाता है तो शायद चीज़ें कुछ अलग हो, क्योंकि इनकी जो रीडिंग है वो प्रीडोमिनेटली माइनर आर्कना कार्ड रीडिंग है। तो क्या डिसीजंस ये टाइम टू टाइम लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आउटकम बदल सकता है या यानी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।